get out. काम तो मैंने कैसे भी पूरा कर दिया, अब अल्लाह ही जाने ये लोग मुझसे और क्या क्या करवाएंगे। कुलवंत, मुझे यकीन है कि सारा आपको कोर्ट मार्शल से जरूर बचा लेगी। उसके आने से काफी परेशानियां कम भी हो गई हैं। गीत, ज़ारा पे तो तुम्हें पहले से यकीन था। इस घर में एक तुम ही ऐसी इंसान थी जिसने उसे यहाँ बुलाने की जिद की थी। हाँ कुलवंत, पर ज़ारा। क्या बात है गीत, चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें उस पर शक है? शक? शक तो नहीं, लेकिन देखो गीत, ज़ारा एक बहुत ही सच्ची और नेक दिल इंसान है, और वैसे भी वो यहाँ आने का अपना मकसद तो हमें बता ही चुकी है। रब करे कि वो आपको कोर्ट मार्शल से जल्दी ही बचा ले और सब ठीक हो जाए। गीत, मैं कल हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ, अपनी रिपोर्ट सबमिट करना है। मौका मिलता ही मैं अपने सीनियर से बात भी कर लूंगा। मुझे पूरा यकीन है गीत कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम सो जाओ। ज़ारा, तू अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकल और मेन बाजार में पहुंच। वहां तुझे मेरा एक आदमी मिलेगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तू पहुंच, बाकी की बातें वो खुद बता देगा। डॉली, मुझे एक फोन करना है, पर यहाँ आसपास कोई एसटीडी दिखाई नहीं दे रही है। मैं उस तरफ देख कर आऊँ? ठीक है, तुम जाओ, मैं मार्केट में कुछ देख लेती हूँ। ठीक है, हम यहीं मिलेंगे। ठीक। ये लड़की, मेजर कुलवंत ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है ये उसकी डुप्लीकेट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इसे तू वहां ले जाकर रख और उस रिपोर्ट को हम तक पहुंचा दे, समझी? लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? मेरी बात तो सुनिए।
बात हो गई? हाँ चले। रब करे कुलवंत का सब कुछ ठीक हो जाए। आगे बेटा बात हो गई क्या तुम्हारी? जी अप्पू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए उनसे बात करना चाहती थी। अब मां कुलवंत को आर्मी हेडक्वार्टर्स जाना है, उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर कुलवंत चले गए तो मैं ये रिपोर्ट कैसे बदलूंगी? मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है। अच्छा मैं अभी आती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके जाने से पहले मुझे उस रिपोर्ट का बदलना बहुत जरूरी है। क्या करूं क्या करूं? लगता है अब वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती। गिर कैसे गए? अरे यहाँ तेल गिरा हुआ है, किसने देखा तक नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? बहुत। कैसे गिरा है वहाँ पर? मुझे क्या पता। कहाँ लगी आपको? क्या यहाँ घुटने? बात है। जोर से तो नहीं लगी? अरे हंसते कर। अरे आराम से यार। मेरे घुटने में। आप चिंता मत करिए मौसी जी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जरा पानी लेकर आओ। हाँ मैं पानी लेके आती हूँ। आप हेडक्वार्टर्स के लिए निकलिए वरना आपको और देर हो जाएगी। ये दिन को इस हालत में छोड़कर? पुत्र मेरी फिक्र ना कर, तू जा हेडक्वार्टर जा पुत्र जा। हाँ सब है ना मेरे को देखने के लिए। हाँ पाजी आप जाइए, मैं हूँ ना यहाँ पर। ठीक है गीत, तुम मेरी फाइल ले आओ। सुखी कमरे से फाइल ले आ। अच्छा Thank you.
बाजे। अब आप जाइए और जल्दी आइएगा। चिंता मत कीजिएगा, हम सब है यहाँ मासी का ख्याल रखने के लिए। हाँ पुत्र, रब करे तेरे माथे पे जो कलंक है वो मिट जाए और इस खानदान की इज्जत बर्बाद होने से बच जाए। जा पुत्र। बाजी, चक दो फट्टे। प्लान रेडी है सर, एंड आई एम श्योर कि अगर हम इस प्लान के मुताबिक चलेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेजर, हम आपके प्लान पर आज से ही काम शुरू कर देते हैं। अगर हम कामयाब रहे तो इसका असर तुम्हारे कोर्ट मार्शल पर भी जरूर होगा। थैंक यू सर। सर, मैंने अपने फेवर में कुछ एविडेंस इकट्ठे किए हैं जिन्हें मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, और उन एविडेंस को देखने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं अपने तेज से गिरफ्तारी कभी नहीं कर सकता। मेजर कुलवंत, तुम्हारे कोर्ट मार्शल की डेट अनाउंस हो चुकी है, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सारे एविडेंस जूरी के सामने उसी समय रखें। सर, आ गए तुम? हाँ गीत, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल पापा जी, मैं एक एक्शन प्लान पे काम कर रहा था, और अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो हो सकता है कि वो लोग मुझे कोर्ट मार्शल से बरी कर दें। और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बेगुनाही कोर्ट मार्शल के दिन ही साबित कर सकता हूँ, और अगर जरा मेरे फेवर में गवाही दे देती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भला गवाही क्यों नहीं दूंगी? आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, और अब अगर मुझे आप लोगों की मदद करने का एक मौका मिल रहा है तो वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। Excuse me. Samir? क्या बात है समीर, इस वक्त अचानक? कुलवंत, तुम्हें मेरे साथ आर्मी हेडक्वार्टर चलना होगा। कोई खास बात? Even I don't know anything. मुझे हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिले हैं। ठीक है, तुम बाहर वेट करो, मैं भी आता हूं। ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स तो मैंने खुद बदली थी, पर ये सब नहीं। मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। सर, मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं अपने देश के कुछ काम आ सका। सर, अगर आप लोग मुझे एक मौका और दें तो मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने देश की सेवा करूंगा।
मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं सर कि अगर जरूरत भी आन पड़े तो मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। Just shut up and listen। हमने तुम्हें यह मौका इसलिए दिया था कि तुम फिर से अपने आप को देशभक्त साबित कर सको, पर तुमने ये रिपोर्ट बनाकर बता दिया कि तुम एक बहुत बड़े गद्दार हो।